सब्सक्राइब कीजिए फंटास्टिक प्रेम को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल फंटास्टिक प्रेम में। आज का जो मैं कलर ओएस का फीचर आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि आज का जो कलर ओएस का फीचर है वो है सो लूप वीडियो एडिटर। हाँ दोस्तों, सो लूप एक वीडियो एडिटिंग ऐप है। सो लूप वीडियो एडिटर एप्लीकेशन आप कैसे यूज कर सकते हैं आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दूं। सो लूप वीडियो एडिटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको ओप्पो के कलर ओएस के वर्जन में ही आपको ये मिलेगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है कलर ओएस का, उसमें आपको ये सो लूप का एप्लीकेशन आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। आपको कोई भी वीडियो एडिटिंग करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप तुरंत अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो एडिटिंग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए सो लूप काफी इजी और सिंपल वे है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। साथ में सो लूप के अंदर आपका कोई भी वीडियो या फोटो उसमें जो आपने ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा उसके हिसाब से कुछ सैंपल आपको बना के दिखा देता है, तो उसमें से भी आप चूज कर सकते हैं। अगर वो आपको पसंद नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो सो लूप वीडियो एडिटर एप्लीकेशन वीडियो एडिटिंग के लिए नए हैं या फिर जिनको वीडियो एडिटिंग सीखना है सिंपली वे में, आप इसमें आराम से सीख सकते हैं और साथ में कुछ न्यू क्रिएटिविटी बना के अपने फ्रेंड्स फैमिली को आप खुश कर सकते हैं कि वाह आज तो कमाल कर दिया, कुछ तो नया सीखा है तू नहीं घर पे बैठे बैठे। तो दोस्तों, सो लूप एडिटर आपको बहुत ही इजी पढ़ने वाला है सीखने के लिए। इसके अंदर आप मन पसंद कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने मन पसंद के हिसाब से टाइटल दे सकते हैं, ट्रैक दे सकते हैं, वर्ड दे सकते हैं, एनिमेशन इसके अंदर दिए हुए हैं, बहुत सी चीजें इसके अंदर आपको दी हुई हैं वीडियो एडिटिंग के नाम पे। सो लूप आपको इतना इजी पढ़ने वाला है वीडियो एडिटिंग में कि आप छोटे मोटे अपने खुद के वीडियो बना सकते हैं। फिर जो यूट्यूब पे नया नया चैनल इन्होंने चालू किया है तो वो अपने छोटे छोटे वीडियो भी इसमें बना के आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको वीडियो बनाना काफी इजी पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सो लूप वीडियो एडिटर एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम जाएंगे फोन के मेन्यू में, यहाँ पे जाने के बाद हम ढूंढेंगे सो लूप को। कहाँ गया सो लूप? ये रहा सो लूप, सो लूप वीडियो एडिटिंग ऐप। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कुछ जानकारी दी है, स्लिक टेम्पलेट्स हैं, एआई कट है, एडिट मैनुअली हैं, ये सब हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो जो भी परमिशन मांगे उसे अलाउ कर देना है। कटर दिया है और साइड में साइज से मी दिया है। यहाँ पे आपका अगर कुछ आपने आईडी बना के रखा है तो क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट दिया है एआई कट। एआई कट में एआई के थ्रू आपका वीडियो एडिटिंग होएगा। चलो कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मली। तो ये नीचे आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए, ये अपने आप म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया है इसमें गेट टाइम करके। और सेकंड है इसके अंदर आपको दिया हुआ है, सेकंड भी क्लिक कर लेते हैं, इसमें भी आपको अलग अलग म्यूजिक दिया हुआ है। उसके बाद फर्स्ट दिया हुआ है चीयर्स अप यो। तो इस तरह से ये एआई कट दिया हुआ है। ऊपर क्लिप दिया हुआ, अपने हिसाब से क्लिप को आप सेट कर सकते हैं, कैसा चाहिए, कितना लेंथ चाहिए उसका सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दिया हुआ म्यूज़िक, आप अपने हिसाब से म्यूज़िक डाल सकते हैं वीडियो के अंदर, जैसा आपको म्यूजिक चाहिए उसके हिसाब से। साथ में कुछ स्टिकर्स दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्टिकर दिए हैं, जैसा आपको लाइटनिंग चाहिए आपके वीडियो में। ये देखिए, ये आगे लाइट, डिस्को दीवाने वाली लाइट। वाह क्या बात है। हाय दोस्तों, चलो कुछ दिल बिखेर देते हैं इस वीडियो में। उसके बाद टेक्स्ट, आपको जो भी टेक्स्ट डालना है वो टेक्स्ट आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ नमस्ते दोस्तों, ये टेक्स्ट मैंने डाल दिया। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं जो जो नहीं चाहिए।
ओके, टैक्स को बड़ा कर दिया। इसमें आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कलर में आपको टैक्स चाहिए, जो अभी आपको मनपसंद कलर लगे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए इसमें। उसके बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरह का वीडियो। उसके साथ में आप और भी फिल्टर्स दिए हुए हैं, कैसा आपको फिल्टर चाहिए आपके वीडियो के लिए, काला, गोरा, नीला, हरा, पीला, जैसा चाहिए अब इसमें आप सेट कर सकते हैं आपके अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद आए। उसके बाद आपको दिया हुआ ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको वीडियो चाहिए, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आप इसमें सेट कर सकते हैं, या फिर आपको जो नॉर्मल चाहिए वो। तो ये आपका वीडियो हो गया। और आपको वीडियो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, मतलब जैसे कि आपको इंस्टा पे अपलोड करना है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, रील्स पे अपलोड करना है, यूट्यूब के शॉर्ट्स में अपलोड करना है, तो उस तरह से आप इसका क्या बोलते हैं साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, अलग अलग रेक्टेंगल है, स्क्वायर आ गया, पोर्ट्रेट आ गया, और ये री सेलेक्ट मटेरियल। अगर आपको कुछ वीडियो ऑफिस सेलेक्ट करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यू करके। अब हम AI कट का वीडियो सेव कर दिया। ये आपका AI कट का वीडियो सेव हो रहा है। इसके बाद हम देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फेसबुक पे शेयर करना है, यूट्यूब पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे मैनुअल एडिटिंग पे। यहाँ पे भी हमको एक वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि वीडियो सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस वीडियो को। जैसे कि अभी आपका इसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है स्टिकर, आप इसमें ले सकते हैं, टैक्स में जाके टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें मैं डाल देता हूँ ओके, एनिमेशंस भी है इसके अंदर, वर्ड आर्ट भी दिया हुआ है, चलो फर्स्ट वाला ले लेते हैं। आप डालते हैं टैक्स, जैसे कि हाय हाय दोस्तों या हाय फ्रेंड्स, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। मैंने अभी हाय फ्रेंड डाल दिया है। अब टैक्स में हम वर्ड आर्ट तो हो गया, एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, कैसा एनिमेशन चाहिए अपने को। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसमें कुछ आया नहीं फिलहाल तो। ओके ओके, एक बार वापस एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा वाला जो रहेगा एक अच्छा सा। ओके, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, प्ले करते हैं वीडियो को। ये हुई ना बात। तो दोस्तों, इस तरह से आप टैक्स दे सकते हैं, साथ में अलग अलग फ़िल्टर दिए हुए हैं, फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड हो गया, कैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए, इमेजेस जैसे कि आपने कुछ वर्डिंग में लिखा हुआ है आपको उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड डाउनलोड हो रहे हैं। ओके, फिलहाल तो मेरे में बैकग्राउंड की ज़रूरत तो है नहीं है, तो इसमें आपको दिखेगा नहीं। अब ये अलग अलग एनिमेशंस दिए हुए हैं, कैसा आपको एनिमेशन चाहिए वीडियो स्टार्टिंग के लिए। और ये आपका आपका स्पीड, ये जिसको स्लो मोशन करना है स्लो मोशन, फास्ट मोशन फास्ट मोशन, ये यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, भागते भागते थोड़ा सुपरमैन की तरह, बैटमैन की तरह स्लो मोशन में उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो ये आपकी स्पीड का। ओके, और क्या है इसमें आपका, प्लेइंग द वीडियो बैकवर्ड। ओके, ये आपका रिवर्स वीडियो हो गया, तो आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा वीडियो, तो
तो ये भी वीडियो आपका हम सेव कर देंगे। तो ये वीडियो भी आप फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, जिसको चाहिए जैसा चाहिए वैसा सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे सो लूप का छोटी सी डिटेल। तो दोस्तों ये था सो लूप वीडियो एडिटर। ये वीडियो काफी बड़ा बन सकता है, लेकिन क्या है, इसमें मैंने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें बता दी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सो लूप के ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊं कि कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा वर्ड, कौन सा फॉन्ट, कौन सा एनिमेशन, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसी के हिसाब से ये सो लूप के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो आपको बना के मैं बताऊं। तो दोस्तों सो लूप वीडियो एडिटर एप्लीकेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फिर उनके कुछ पुराने जूने फोटो हैं उनको वो एक वीडियो में बनाना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो आप शेयर करके बता सकते हैं कि सो लूप करके है ऐप जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके मोबाइल में हैं और आपको पता नहीं है उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना बना के यूट्यूब पे अपलोड करते रहूंगा, और जैसे मैं अपलोड करूंगा अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस किया तो फटाक से नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी कि हाँ मेरा कुछ नया वीडियो आया है। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक यू।